यूपी के ग्राम प्रधान की मनमानी इस कदर है कि उसके खिलाफ अधिकारी भी बोलने से डर रहे हैं। जरा इस पूरे वीडियो को देखिए। दरअसल ये मामला कुशीनगर जिले के खड्डा विधानसभा क्षेत्र के सिसवा गोपाल ग्राम सभा का है, जहां पर ग्राम प्रधान की मनमानियों से ग्रामीण तंग आ चुके हैं। ये बीते दिनों ग्राम सभा के ग्राम प्रधान ने सचिव को गुमराह कर 31 परिवार आवास के लिए पात्र होने के बावजूद भी उन्हें आपात घोषित कर दिया और उन्हें घर नहीं मिल सका, जिससे ग्रामीण बहुत परेशान हो गए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम प्रधान को रुपए न दिए जाने की वजह से पात्र को अपात्र घोषित किया गया है। इस पूरे मामले की शिकायत ग्रामीणों ने खड्डा खंड विकास कार्यालय पर खंड विकास अधिकारी विनीत यादव से की। इस मामले की जाँच कराई गयी और प्रथम दोषी मानते हुए गाँव प्रधान के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए खड्डा थाना में पात्र दिया गया, लेकिन 4 महीने का समय जाने के बाद भी अब तक ग्राम प्रधान पर किसी तरीके की FIR दर्ज नहीं हो पाया। वहीं इस पूरे मामले में नाराज ग्रामीणों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमको यही है सर कि FIR दर्ज 2023 में 4 महीने पहले FIR दर्ज का आदेश हुआ था। यहाँ से BDO साहब कोई FIR दर्ज नहीं कराए। ग्राम प्रधान जी सुरेश प्रधान है हमारे ग्राम सभा, सुरेश प्रसाद भारती। तो आज आप लोग आए क्या कह रहे हैं? BDO साहब कह रहे हैं कि अभी FIR दर्ज करने के कहे थे, अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ है थाने से। जी क्या नाम है आपका? राजकिशोर। कहाँ का? सिसवा। आज आप लोग ब्लॉक पे पहुँचे थे जी, क्या प्रकरण है, कहाँ? जैसे हमारे यहाँ आवास का जो था उसी में प्रधान के ऊपर FIR दर्ज हुआ था 17/4/2023 में, उसी हम लोग आए थे ब्लॉक में पूछने के लिए BDO साहब से। तो BDO साहब कह रहे हैं कि हमने दे दिया है, ये अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ प्रधान के ऊपर। लगभग कितने महीने का वक्त? 4 महीना पहले की बात है, 17/4/2023 की बात है। अब तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। वो है कौन? वो ग्राम प्रधान है जिन्होंने अपने दबंगई पर बहुत लोग 22-23 लोग आवास कटवा दिए थे। ग्राम प्रधान है सुरेश भारती। प्रकरण हाईकोर्ट? हाँ, हम लोग इसके बाद में हम लोग सबसे कहे, BDO साहब से कहे और CDO साहब से कहे, सबसे कहे तो ये लोग नहीं कोई करवाए, हाईकोर्ट पहुँचे हैं उसी आवास के चक्कर में। उसी आवास में कई आदमी का जांच भी आया, उसमें भी फिर से प्रधान ने अपने दबंगई से उसमें बहुत गलत करा रहा है। क्या नाम है आपका? बिकाऊ चौहान, सिसवा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान की दबंगाई ग्रामीणों के साथ साथ विभागीय अधिकारियों पर भारी पड़ रही है। पंजाब केसरी TV के लिए कुशीनगर से अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।